नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक कमेंट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि सर प्लेटिना एबीएस का वीडियो बनाओ। अब मैं कहा प्लेटिना एबीएस मतलब प्लेटिना में भी एबीएस सीरियसली? हालांकि उस कमेंट को जो है दोबारा मैंने जब पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो प्लेटिना एएस भी लिखा हुआ है। अभी एग्जैक्टली यही चीज़ जो होती है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि वर्ड्स के साथ कैसे खेला जाए। और जैसे ही मैं मतलब उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन मुझे मिला, जैसा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे उसमें आया, ऐसे ही काफ़ी लोगों को ऑब्वियसली वो आएगा। अभी ये एएसबी जो है वो क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको आज जो है प्लेटिना एक लेके आया हूँ। ब्रांड न्यू शोरूम से निकलवाई है हमने प्लेटिना और अब इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो एएसबी है वो एक्चुअल में है एंटी स्किड ब्रेकिंग। ये चीज़ जो है हम अगर वर्ल्ड को अगर ढंग से समझें तो वो बात अलग है, बाकी एक्चुअल में जो पीछे की टेक्नोलॉजी है उसे अगर देखें तो ये बेसिकली जो हमने एक्टिवा वगैरह में सीबीएस देखा है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम वो चीज़ है। लेकिन इसका थोड़ा सा सेटअप जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ वो सेम ही दो जो है लीवर्स दिए गए हैं आपको, फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों से जो है। फ्रंट ब्रेक तो काम करेगा ही करेगा, फ्रंट लगाओगे तो सिर्फ फ्रंट करेगा, रियर लगाओगे तो दोनों काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो है यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कुछ बनाया और ये मुझे फोटोज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन दरअसल ये कुछ नहीं है। यहाँ से ये जो ब्रेक लाइन है वो यहाँ जाके दूसरी तरफ मिलती है, इस तरफ जो है वो मिलती है और ये जाता है रियर फुटपैक्स में। अब जो रियर ब्रेक जब आप दबाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। फॉर एग्जांपल देखो ये रियर ब्रेक अगर मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो यहाँ पे रियर ब्रेक दबाने पे जो है थोड़ा सा ये वाला ब्रेक भी ये लीवर भी खींच रहा है। रियर ब्रेक का लीवर तो यहाँ से निकल रहा है सीधा, ये जो आप देख रहे हैं, और ये रियर ड्रम्स में जा रहा है। लेकिन ये जो है ये यहाँ पर जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये यहाँ से जाता है ऑल द वे यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ से ये निकल के फ्रंट जो है उसमें लगता है। अभी मैं मेरे साथ में अमित सर है, इनको मैं कहूँगा कि एक बार आप एबीएस टेस्ट कीजिए सर, एक बार रियर ब्रेक दबाइए एएसबी कैसे काम करता है। ये सिर्फ रियर ब्रेक दबाएंगे अभी, और ये देखो जब इन्होंने रियर ब्रेक दबाया तो ये थोड़ा सा मोमेंट यहाँ हुआ। अभी आप ये सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एक मिनट छोड़ना सर, अभी ये सेटिंग आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना परसेंट तक फ्रंट ब्रेक लगना चाहिए। आप चाहो तो ज़्यादा लगना चाहिए तो इसको टाइट कर दीजिए, कम लगना चाहिए तो इसे जो है लूज़ कर दीजिए। लेकिन जब आप फ्रंट ब्रेक लगाएंगे तो रियर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सर एक बार फ्रंट लगाना, ये जब फ्रंट लगा रहे हैं देखिए, छोड़िए, फ्रंट जब लगा रहे हैं तो रियर में कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। अभी फ्रंट अगर मैं दबा रहा हूँ तो रियर में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है। तो बेसिकली कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। अभी क्या होने वाला है कि ये जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है ये उन हर गाड़ियों में आएगा जिनमें एबीएस नहीं है, जो एक्चुअल वाला एबीएस है वो नहीं है। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स है और तो अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि कब तक जो है ये मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2019 से 125 सीसी या 150 सीसी से हर नीचे की बाइक में जो है ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम होना जरूरी है। अभी कंपनी इसको कुछ भी नाम दे, चाहे एंटी स्किड ब्रेकिंग नाम दे, चाहे कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम नाम दे, टीवीएस इसे कुछ और बोलता है, हीरो इसे कुछ और बोलता है, तो आप नाम कुछ भी दे लो लेकिन ये होना जो है वो ज़रूरी है। और ये बाइक्स में देखो कैसे हेल्प करता है, टेक्निकली आपको बताता हूँ। जब आप रियर ब्रेक दबाते हो तो सिर्फ रियर ब्रेक काम नहीं करता, हल्का सा फ्रंट भी करता है, इससे ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। रीज़न ये है कि जब भी ब्रेक लगाते हो आप तो ज़्यादा जो है फ्रंट वाले का काम होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा ताकत होती है गाड़ी को रोकने की बजाय पिछले टायर के लिए। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और हम लोगों की आदत है, हम लोगों ने जिस तरह हिसाब से ड्राइविंग सीखी है हमें फ्रंट ब्रेक लगाने से डर लगता है, खासतौर से स्कूटी वालों को, फ्रंट ब्रेक लगाते ही नहीं है वो, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। और जो है ये चीज़ करना जो है थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि हाँ हम लोगों को आदत नहीं होगी तो भी जो है फ्रंट ब्रेक थोड़े हद तक लगेंगे। हालांकि वही बात है जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाला सिस्टम आया था उसी तरीके से हम इसको भी छेड़ने लग जाएंगे, लूज़ कर देंगे आगे से, ऐसा कुछ ना करें तो ही बेटर है। वैसे भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प में एक मेजर इंप्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है। अभी जो है हेडलाइट चालू नहीं है, हालांकि गाड़ी जो है ऑन है, यहाँ पर सिर्फ ये DRL चालू है, तो ये चीज़ अच्छी कर दी गई है कि अब सबकी हेडलाइट्स चालू नहीं है, DRL जो है चालू, वरना मैंने कई लोगों को देखा है लिटरली वो लोग जो घर में बटन होते हैं वो लगवा लेते हैं यहाँ पे तार वार तुड़वा के और वो बटन से हेडलाइट चालू कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन जो है वो एक अच्छा फीचर है, बस हाँ अपनी गाड़ी की बीम जो है वो एडजस्ट करवाइए और हाई बीम पे मत चलिए। खैर ये है ABS का सारा जुगाड़, और प्लेटिना का रिव्यू देखना है तो बता दीजिए कमेंट्स में, हम उसका भी रिव्यू बना देंगे। चलो फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।